दसों समूह के दीदी सब यहाँ पर उपस्थिति हो गए हैं। सभी भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम मनोरमा देवी है। मैं सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। भारत माता जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में लालपुर भारत माता वीओ का अध्यक्ष हूँ। सुजाता जीविका महिला संकुल संघ निर्जर क्लस्टर का अध्यक्ष हूँ। दीदी, भारत माता वीओ में 10 समूह से जुड़ी हुई है। 10 समूह का साल में एक बार आम सभा होता है और एक बार हिसाब किताब होता है। दीदी, आज 15 नव 2014 का आम सभा भारत माता वीओ का रखा गया, जिसमें सभी दीदी दसों समूह का मेंबर से लेकर सदस्य तक सभी दीदी को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सभी दीदी उपस्थित हो गए हैं और सभी दीदी को वार्षिक आम सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के एजेंडा दीदी अपना अपना बताइएगा, ठीक है ना दीदी? ठीक है ना दीदी। सभी दीदी को नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद है और मैं बोधगया ब्लॉक के मीरगंज क्लस्टर में एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। आज दीदी बहुत ही सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि आपके भारत माता ग्राम संगठन में का जो वार्षिक आम सभा है उसमें हमको सहभागिता करने का मौका मिला है। और ये आज का जो अभी अध्यक्ष दीदी बताई हैं कि हम लोग का जो साल में एक बार वार्षिक आम सभा होता है उसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, क्या हमारा एजेंडा आएगा, उसमें एक एजेंडा आया है दीदी की जो नेता का कुछ जो जिनका एक साल पूरा हो गया है वो दीदी नेता का चुनाव के लिए जो दूसरे दीदी को भी मौका मिलना चाहिए अध्यक्ष के रूप में काम करने का, सचिव के रूप में काम करने का, उसके लिए जो है आज हम लोग यहाँ वार्षिक आम सभा में आप लोग के सौजन्य से बात करेंगे। और जो अगर बदलाव की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हम लोग बदलाव भी आप लोग के माध्यम से आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। क्या लगता है दीदी, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे दीदी को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ भैया, मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और आप लोग के जो आप लोग का एक्टिविटी है, आपका जो सहभागिता है ग्राम संगठन में, उसको देख के लगता है कि आपका ग्राम संगठन का नेता का चुनाव, बहुत अच्छे अच्छे नेता का चुनाव आज तक हुआ है और आगे भी आप लोग करेंगे। हाँ भैया, क्या नेता का बदलाव एक साल में ही होता है भैया, कि बीच में भी किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका दीदी, और हमको लगता है सभी दीदी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। देखिए दीदी, सामान्यतः नेता का बदलाव एक साल पे ही होता है, लेकिन अगर कोई आपका ग्राम संगठन के जो आप चुनाव किए हैं वो अगर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दो तीन महीने तक चेतावनी दे करके कि भाई हमारा ग्राम संगठन का आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो इस तरह से चेतावनी दे करके उनको 3-4-6 महीने तक देखा जा सकता है। फिर भी अगर उनका काम अच्छा नहीं है तो ग्राम संगठन के हित में उसको बीच में भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः एक साल पे नेता का बदलाव होता है। ठीक है भैया। क्या भैया, आप तो बदला दिए लेकिन तीनों नेता के एक ही बार बदलाव करना चाहिए? देखिए दीदी, तीनों नेता का तो एक ही बार में बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नियम है कि साल में एक तिहाई नेता का बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर विशेष ज़रूरत पड़े कि लगता है कि नहीं हमारा तीनों जो नेता हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह का उनमें कमी है, तो फिर उस परिस्थिति में बदला जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है एक तिहाई नेता का बदलाव साल में होना चाहिए। अच्छा भैया, आप ये तो बता दिए कि नेता को एक बार में एक ही को बदलाव करना चाहिए, लेकिन ये कौन तय करेगा भैया कि कौन नेता बदलाव होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका दीदी कि ये कैसे हम तय करेंगे कि कौन से नेता का हमको बदलाव करना है। तो देखिए दीदी, उसका कुछ जो होता है कुछ नियम होता है, कुछ मापदंड होता है जिसके आधार पे हम तय कर सकते हैं कि हम कौन से नेता को ग्राम संगठन के हित में बदलने की ज़रूरत है।
तो उसके लिए दो तीन मापदंड रखे गए हैं। पहला तो दीदी, आप लोग का जो ग्राम संगठन की बैठक होती है, उस बैठक में उनका उपस्थिति कैसा है, जो आपके लीडर हैं उनका उपस्थिति कैसा है, पूरे साल में कितना उपस्थिति रहा है। दूसरा चीज हम आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ग्राम संगठन को कार्य सौंपे गए पूरे साल में, मीटिंग होता है ना दीदी, तो मीटिंग के बाद आप लोग को एजेंडा होता है, एजेंडा में कुछ निर्णय लिए जाते हैं और उस निर्णय को लागू करने की जिम्मेवारी जो है वो वीओ लीडर्स की होती है, वीओ के नेता की होती है, और उस कार्य में कितनी सहभागिता हुई है उनकी, कितना वो सहयोग किए हैं उसको भी देखा जा सकता है। कोई नेता है जो कि एजेंडा पर यहाँ बात हुआ लेकिन उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है, तो क्या वैसे नेता को रहना चाहिए? नहीं भैया। ठीक है, तो ये भी देखा जा सकता है दूसरा चीज। और तीसरा चीज ये देखा जा सकता है दीदी कि वो जो समूह से लेन देन करती हैं ना जी। कुछ काम के लिए लेती हैं, वापस करना रहता है, तो उसको उन्होंने कितना समय से वापस किया है, ठीक है, तो इसको भी देखा, क्योंकि जो एक ग्राम संगठन का या एक समूह का जो नेता होता है वो सभी सदस्यों के लिए एक आदर्श होता है, ठीक है, तो आदर्श का मतलब ये हुआ कि उनको देख करके लोग उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई अध्यक्ष हैं ग्राम संगठन की और वो लंबे समय से उधार वापसी नहीं किए हैं समूह में, तो लोग कहेंगे कि अध्यक्ष वे तो ना दे है तो हम नहीं कहे ल दिए, है ना, तो इसको भी देखना जरूरी है कि उनका उधार वापसी यानी रीपेमेंट जो है समूह में और ग्राम संगठन में कैसा है, साथ ही साथ उनके समूह का उधार वापसी भी कैसा है। ये तीन चार चीज को तय करके तब हम देखेंगे कि इसमें जिनका सबसे अच्छा है उनको हमको लगता है बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका ये सब खराब है तो उन पे विचार किया जा सकता है और पहले उनका बदलाव किया जा सकता है। क्या दीदी? हाँ भैया। सही। अच्छा भैया ये बताइए कि जब तीनों कोषाध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी, अध्यक्ष दीदी, ये सब तीनों जो हैं जो अच्छे हैं, तो फिर हम बदलाव क्यों करेंगे उनको? देखिए दीदी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कि जब सब कुछ अच्छा है, तीनों दीदी का अच्छा है, तो फिर हम नेता का बदलाव क्यों करेंगे। देखिए दीदी, ग्राम संगठन बनाते वक्त जो है आप लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया था और बताया गया था दीदी कि हम नेता का बदलाव क्यों करते हैं, तो ये सब दो तीन कारण तो हैं ही, उसके अलावे एक हमारा जो ग्राम संगठन का एक सिद्धांत ये भी था और समूह में भी, कि हर एक व्यक्ति को नेता के रूप में काम करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं, इसीलिए आप लोग दीदी समूह का जो बैठक करती हैं उसमें हर एक बैठक में आज के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हर दीदी को जो है अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में काम करने का मौका मिलना चाहिए और उनका जो है खुद का विश्वास भी बढ़े कि हम भी ये काम कर सकते हैं, तो उसी के तहत दीदी दूसरे दीदी को भी अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिले, इसके लिए लगता है कि भी नेता का चुनाव होना चाहिए, नेता का बदलाव होना चाहिए। क्या दीदी, सही है? देखिए दीदी, जो आपके जो लीडर हैं, जो वीओ के नेता हैं, वो उनका पूरे साल का बहुत अच्छा काम रहा है, आप लोग भी जानती हैं, और अच्छे से अपना जिम्मेवारी को निभाए हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। तो फिर भी हमको लगता है कि उन दीदी से स्वेच्छा से पूछना चाहिए कि क्या उनको लगता है कि हम किसी और को अपना जिम्मेवारी सौंप सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जिम्मेवारी उठाना चाहिए ग्राम संगठन के प्रति और संगठन के प्रति। तो आप लोग दीदी ये बताइए कि आप लोग का काम बहुत अच्छा रहा है, पूरे साल आप अच्छे से काम किए हैं, फिर भी इसमें से आप लोग स्वेच्छा से बताइए दीदी कि कौन दीदी है को जो कि अपने पद की जिम्मेवारी दूसरे दीदी को सौंपना चाहती है। ठीक है भैया, हम भारत माता वीओ के अध्यक्ष हैं, पूरा जिम्मेवारी हम 100 से चलाए हैं,
हम भी सोच रहे भैया कि हम तो अध्यक्ष है, आज पूरा जिम्मेवारी एक साल से चलाए हैं, तो आप दूसरी दीदी को मौका दे रहे हैं और दूसरी दीदी को मौका दे रहे हैं कि जैसे हम पद को जिम्मेवारी एक साल चुकाए उसी पद को दूसरे दीदी को चुनाव करेंगे, वो दीदी अध्यक्ष बनकर और भीओ का जिम्मेवारी चुका सकते हैं। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है। दीदी बहुत अच्छा आप लोग का ग्राम संगठन है कि जो आपके अध्यक्ष दीदी हैं वो अपना पद जो है स्वेच्छा से दूसरे दीदी को ये जिम्मेवारी सौंपने के लिए तैयार हैं। तो अब तो आपको दीदी आप में अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करना होगा ना। तो उसके लिए आप बताइए कि कौन दीदी जो है स्वेच्छा से अपना ये अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार है। अच्छा दो दीदी जो है आप में से अब तो दो दीदी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, है ना। अच्छा दीदी दो दीदी अब तो दो दीदी को अध्यक्ष दो दीदी तो नहीं रह सकती हैं, रहना तो एक दीदी को है तो उनको उनको कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या देखना चाहिए दीदी, क्या उनमें ऐसा देखना चाहिए जो कि लगता है कि वो नहीं सही अध्यक्ष हमारे ग्राम संगठन के लिए होंगे, क्या क्या चीज देखना चाहिए? उनको उपस्थिति देखना चाहिए भैया, जो समूह में बैठक में आती है कि नहीं, फुर्सत उसमें है कि नहीं, वो जिम्मेवारी भी होकर पूरी तरह संभाल सकता है या नहीं, इसके लिए भी देखना चाहिए उनको और उसका समूह में भी लेन देन में कैसा है। बहुत अच्छा बताए दीदी आप लोग कि हमको ये चीज देखना चाहिए जो है वो दीदी का समूह में उपस्थिति अच्छा रहा हो, उनका उधार वापसी अच्छा रहा हो और समूह के काम में बढ़ चढ़ के भाग लिए हो। तो आपके तो ये गांव की दीदी है तो सभी दीदी को पता होगा, है ना। तो अब बताइए कि ये दो दीदी, आप दो दीदी इधर आ जाइए। देखिए दीदी अब आपके ग्राम संगठन के अध्यक्ष का जिम्मेवारी लेने के लिए दो दीदी तैयार हैं, ठीक है ना। तो दो दीदी तो अध्यक्ष नहीं बन सकती हैं। नहीं भैया। तब क्या होना चाहिए दीदी, कैसे चुनाव होना चाहिए? उसके लिए समर्थन होना चाहिए, वोटिंग पड़ना चाहिए भैया कि जो दीदी का जास्ते समर्थन होगा उन्हीं को अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। अच्छा ये बात है, सभी दीदी सहमत है इस पर? हाँ भैया। वोटिंग होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। देखिए दीदी ये दो दीदी जो है अध्यक्ष का जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, तो इनका भी तो जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा उनका साल भर का काम रहा है। तो हमको लगता है कि ये दीदी को खुद से अपना काम बताना चाहिए कि हम ऐसा क्या काम किए हैं कि हम अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या दीदी? हाँ, है ना। हाँ चलिए दीदी बताइए। सभी भैया दीदी को प्रणाम, मेरा नाम गीता देवी है, मैं सरस्वती जीविका एवं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हूँ, भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन का सदस्य हूँ। दीदी हम तो पहले 8-10 साल से इधर जुटे हैं समूह में, तो स्कूल में भी गए, मास्टर से मिले, मास्टर जी सब से मिले, बच्चे लोग को सब देखभाल किए हैं, खाना पीना का भी देखभाल किए, ये सब किए, सब सुधार हुआ, मगर हम समाज सुधार कमेटी में भी जुटे हैं और दीदी अब लगता है कि भीओ का अध्यक्ष का रूप में हम भी बनना चाहते हैं। सभी भैया दीदी को प्रणाम, मेरा नाम है राधना देवी एवं नमः जीव का समूह का अध्यक्ष भारत माता ग्राम अध्यक्ष। समूह के अध्यक्ष रहे थे भर में अच्छा काम किए हैं और भीओ के भी अध्यक्ष रहते भर में बहुत काम अच्छा करे हैं। देखिए दीदी ये दोनों दीदी जो अध्यक्ष बनना चाहती हैं ग्राम संगठन का अपना अपना बात रखी ना, अपना अपना बात। अब आप लोग को चुनाव करना है, निर्णय करना है कि हमारे ग्राम संगठन के लिए कौन दीदी सबसे अच्छा होंगी जो अध्यक्ष के रूप में काम कर सकती हैं, आप ही लोग को चुनाव करना है, ठीक है दीदी। ये दोनों दीदी तो अपना बात रख चुकी हैं ना।
ठीक है, तो अब आप बताइए कि जैसे ये गीता दीदी हैं, गीता दीदी है ना, तो गीता दीदी को कितना दीदी आप में से हैं जो चाहती हैं कि हमारे ग्राम संगठन का अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम करेंगी और हमारे भारत माता ग्राम संगठन का अध्यक्ष बनना चाहिए, कितना दीदी समर्थन करती है? अच्छा, अब ये दीदी का तो समर्थन में जो है लगभग जो है 70 दीदी जो है हाथ खड़ा किए हैं, है ना, गीता दीदी के समर्थन में। अब बताइए कि वो दीदी के समर्थन में कितना दीदी हैं जो चाहती हैं कि हमारे ग्राम संगठन का अध्यक्ष बने? देखिए दीदी, दोनों का समर्थन में कुछ दीदी ये गीता दीदी के समर्थन में हाथ खड़ा की हैं और कुछ दीदी जो है राधना दीदी के समर्थन में हाथ किए, लेकिन गीता दीदी के समर्थन में जो यहाँ पे लगभग 110 दीदी आई हैं उसमें से 70 दीदी जो हैं वो गीता दीदी के समर्थन में हाथ खड़ा की हैं और लगभग 30 दीदी जो हैं वो राधना दीदी के समर्थन में हाथ खड़ा की हैं। तो इस तरह से ग्राम संगठन के अध्यक्ष के रूप में कौन हो गई? गीता दीदी जो है अध्यक्ष के रूप में आज चुनी गई हैं। ठीक है दीदी, आज दीदी हमारे भारत माता भीयर में आज नया दीदी अध्यक्ष गीता शर्मा चुनाव हुआ है और गीता दीदी का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष के पद में खड़ा हुए हैं। यही हम से कहना चाहते हैं कि गीता दीदी आज शपथ ले कि इस पूरे साल भीओ का काम अच्छा से कर सकते करे और करा सकते हैं। देखिए दीदी, आपको अध्यक्ष दीदी नए दीदी आज खड़ा होकर पर्चे दे रहे हैं। सभी भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम गीता देवी है, मैं भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष। चलिए दीदी, आज मैं नए दीदी को अध्यक्ष दीदी को शपथ ग्रहण करा रहे हैं। आज से मैं भारत माता भीओ का निष्ठा हाल में भी कोई भी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। ये पद मैं अच्छा से संभाल सकूंगी। देखिए दीदी, ये आपका आज का वार्षिक आम सभा बहुत ही अच्छा रहा और आप लोग सभी लोगों ने भागीदारी की और हमारा ये सुझाव है कि आगे से हम लोग रहें या ना रहें उससे कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये संगठन आपका है और इस संगठन की जिम्मेवारी आपकी है, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है नेता के बदलाव में, नेता के चुनाव में यही प्रक्रिया आप लोग को अपनानी चाहिए ताकि आपका संगठन अच्छे से चले। ठीक है दीदी, आज की आम सभा की समाप्ति की ये घोषणा करते हैं। जय 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 जय